उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का अभी से कुछ देर पहले चुनाव आयोग ने आम विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। नमस्कार, मैं संजीव सुमन, आप देख रहे हैं News 24x। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज 3:30 बजे दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इस बार होने वाले सभी विधानसभा चुनाव को लेकर सारी बातों के बीच चुनाव का ऐलान कर दिया गया। 15 जनवरी तक, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार की कोई भी जनसभा पर रोक लगा दी गई है। 15 जनवरी के बाद फिर से चुनाव आयोग इसकी समीक्षा करेगा और उसके बाद ही कोई आगे फैसला ले सकती है। कहने का मतलब है कि साइकिल यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा, कोई बड़ा रैली या फिर कोई भी रैली से लेकर कोई भी रोड शो तक को 15 जनवरी तक रोक दिया गया है और सभी राजनीतिक पार्टियों को यह सख्त आदेश दिया गया है कि वो वर्चुअली अपने संवाद लोगों के बीच करें। कहने का मतलब है कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा होगा जब चुनाव में जनता के बीच कोई भी बड़ा नेता नहीं जाएगा, बल्कि सभी को वर्चुअल रैली के माध्यम से जनता को संबोधित करना होगा। तो अभी मैं आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के बारे में पूरी जानकारी दे दूं। तो उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे और सभी के नतीजे, यानी कि 5 राज्यों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होंगे और वो 7 चरण है। पहला चरण है आपको 10 फरवरी, उसके बाद 14 फरवरी, उसके बाद 20 फरवरी, उसके बाद 23 फरवरी, उसके बाद 27 फरवरी, उसके बाद 3 मार्च और उसके बाद 7 मार्च को उत्तर प्रदेश में चुनाव होने का ऐलान किया गया है।